आज तो बहुत तगड़ा वाला मौसम हो रहा, सुबह सुबह बारिश हुई थी मगर अब बादल साफ हो गए। हे YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आए हो आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मैं उठ गया था 6:30 बजे, थोड़ा लेट उठा था क्योंकि मैं रात में एडिटिंग कर ली थी, तो सुबह उठना मैंने उचित नहीं समझा। फिलहाल तो चलता हूँ चाय वाय पीता हूँ, क्योंकि आज आके बाहर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा बाहर की हवा ले रहा हूँ, बिकॉज बाहर कोई नहीं, थोड़ा अकेला शांति। आपको पता मुझे अकेलेपन से कितना प्यार है। बारिश में तो सब चीज की हालत खराब हो जाती है। देखो ये गेट पे से क्या निकल रहा है बुरादा, पता नहीं क्या है ये, तो रूम तो अंधेरे में पड़ा रहता। आज सबसे पहले एक ये लाइट लेके आऊंगा, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत लाइटिंग में इम्पेक्ट आ रहा, और वो बैग तो इतना गंदा होके पड़ा हुआ, उसको धूप निकलेगी ढंग से तो धुलवाऊंगा। ये काम सबसे पहले आज करना है मेरे को। ऊपर की भी हालत कुछ ज्यादा सही नहीं है, लेकिन इसको मैं सही नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा सामान है टूटने फूटने वाला, तो उसको जैसा है वैसा छोड़ दूंगा। चलो ये मेरी चाय भी आ गई है भाई, इसको पियो। स्पेशली मैं बाहर से सिर्फ चाय पीने के लिए आया हूँ, वरना बाहर बैठ के तो बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश के टाइम में सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम होती है कि अनसंट जगह पे छोटे मोटे जख्म हो जाते हैं, छिल जाता है, कहीं पे फुंसी हो जाती है। अब मेरे कान के पीछे इस तरफ एक छोटी सी फुंसी है, दिखने में तो छोटी है मगर थोड़ा पेन कर रहा अच्छा वाला। तो इन सब के लगता है मेरे को कुछ ना कुछ पीना पड़ेगा, खून साफी वगैरह। फिलहाल ब्रश व्रश हो गया सब कुछ कम्प्लीट, अब चलता हूँ खाना वाना खाने के लिए। खाना खाता हूँ, भूख लग रही है यार। खाना मुझे पता आज मेरी पसंद का नहीं बना। ये लोग रूम में क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो भाई? आपका ब्लॉग देख रहा हूँ। मेरा ही ब्लॉग चल रहा है क्या? ये मैंने लाइट लगा दी है, खरीद के नहीं लगाई है, बगल रूम में से खोल के लगा दी है। फिलहाल खाना आ गया। खाने में क्या है भाई, आलू सोयाबीन की सब्जी, अचार, मिर्ची एंड रोटी। खाना कुछ खास नहीं आज का। यहाँ तो आज बहुत कड़क वाली धूप हो चुकी है यार, आज तो मौसम ने बहुत भयंकर गर्मी बरसा दी है। सुबह बारिश हुई है जबकि इतनी भयंकर वाली, रात में बारिश हुई है उसके बावजूद इतनी भयंकर गर्मी, भाई हालत खराब थोड़ी सी, बट कोई नहीं ठीक ठाक है। मुझे पता रात तक बारिश आ ही जाएगी। फिलहाल चलता हूँ छत पे, छत का देखता हूँ मौसम कैसा, बिकॉज नीचे तो मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी यार। नीचे तो ऐसा हो रहा है कि सो के बोर हो गया, कमर में दर्द होने लग गया, पेट में पड़े पड़े। अच्छा आज धूप निकली तो मम्मी ने गेहूँ सारे सुखाने पे डाल दिया। ये देखो इन पौधों के लिए अच्छी चीज है, थोड़े से इनमें जान आ जाएगी, वरना ये तो गलने के कगार पे चले गए थे। ये इस पौधे के लिए देखो सपोर्टर लगा दिया पापा ने लाके, एक डंडा इसमें और एक डंडा इसमें। मुझे तो पता भी नहीं है पौधे है किसके, अब जब उगेंगे तब पता चलेंगे क्या क्या पौधे है। लकड़ी लाने से एक चीज खराब हो गई है, मैंने स्टॉक में लकड़ी लाके तो रख दिया, बट छत पूरा खराब हो गया यार बुरी तरह से। देखो इधर से इतना जगह हो गया, उधर उतना जगह, बिल्कुल हालत खराब है। ये नया बेड है, अभी जस्ट लाए थे, 2-4 दिन हुए लाए हुए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इसमें हमने जब बेडशीट वगैरह रखे ना तो इनमें चींटे लग गए। देखो कितने सारे चींटे है, ये तो कम है, अभी निकाले हमने चींटे, देखो कहाँ कहाँ चींटे है, बहुत बड़े बड़े वाले चींटे लग गए। अब शंका ये है कि कहीं लकड़ी वकड़ी तो खराब नहीं हो गई है, बिकॉज यार लकड़ी अगर खराब हो गई होगी तो बहुत समस्या वाली बात है। और जब हम लाए थे तो बारिश आ रही थी, तो हो भी सकता कोई बड़ी बात नहीं है, तो इन सबको भी खाली करना पड़ेगा। सबको खाली करके छत पे लेके जाएंगे, सबको सुखाएंगे कपड़ों को, हमें लग रहा है कपड़ों में नमी हल्की फुल्की। इधर पे कितने सारे चींटे यार, यहाँ है असली चींटों का खजाना। तो अब इनका क्या करूं, इनको निकालूं, कुछ डालता हूँ फिनाइल वगैरह, शायद खत्म हो जाए सब। ये आज यूज करूंगा काला हिट जो भी है, बहुत दिनों से यूज नहीं आया, कॉकरोच के लिए यूज होता, लेकिन देखता हूँ चीटों पे शायद असर कर जाए। उधर वाले को तो ढक दिया क्योंकि उधर वाले में नहीं है, सारे चीटे इसमें ही है, देखो कितने बुरी तरह से भरे हुए हैं। तो इन पे देखते हैं छिड़क के, अगर कुछ असर कर जाए तो भाई होपफुली सब पे असर कर जाए, बिकॉज बहुत घटिया हो गया यार, नया बेड खराब हो जाएगा। अभी नया ही बेड लाया हूं मैं, भर भर के छोड़ूंगा एकदम। अब क्या करूंगा इनको छोड़ने के बाद पूरा कवर लगा दूंगा। मेरी चप्पल टूट गई है, इसको फेविक्विक से चिपकाऊंगा। ऐसा चिपकाता नहीं लेकिन चिपका लेता हूँ, कोई बात नहीं, घर में रहता हूँ तो पहनने का हो जाता है। वैसे तो नया चप्पल है मेरे पास एक और। फिलहाल टाइम हो गया 5:15, आज दिन में तो मस्त वाला सो गया बिल्कुल। अभी उठाऊ थोड़ी देर पहले, जस्ट आधा घंटा पहले, अभी उठते पहले सबसे पहले नहाया धोया फिर जाता हूँ आज मार्केट, क्योंकि कल तो मैं मार्केट गया नहीं था, आज जाऊंगा मैं मार्केट, थोड़ा सा काम है। और कार्ड भी छपके आ गए हैं तो मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ, कैसे कार्ड आया छपके। नहा धो लिया सबने, नहा लिया मैंने, नहा लिया पवन ने भी, नहा लिया। और ये वो कार्ड है छपके आ चुके हैं, हमने ज्यादा कार्ड नहीं छपवाया, बहुत कम कार्ड छपवाया है, सिर्फ इतने से कार्ड छपवाया है, पता नहीं कितने, आई थिंक सो ये 50 कार्ड है, 50 से थोड़े बहुत ज्यादा होंगे तो होंगे,
आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज मैं नोटिस किया कि मुझे बाल कटवाने की जरूरत लग रही है, तो अभी नहीं कटवाऊंगा, 15 अगस्त के बाद कटवाऊंगा बाल, फिलहाल तो अभी इसी में ठीक हूँ। और अभी मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि इस कार्ड को बांटना। भाई मेरे तो कुछ दोस्त है भी नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ टाउन है सब, सब माधोपुर से बाहर है। मैंने जो लिस्ट बनाई थी दोस्तों की, उसमें से एक भी नहीं है यहाँ पे। अब भाई जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो, जो मेरे दोस्त हो, प्लीज यार आ जाना यार, प्लीज भाई प्लीज आ जाना। एड्रेस बता देता हूँ आप लोगों को, कहाँ लिखवाया गया है, बिहारी मोहल्ला रेलवे कॉलोनी सवाई माधोपुर, एड्रेस है इस पे लिखा हुआ है। ये कार्ड है भाई, देखो बहुत प्यारा कार्ड है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट का कार्ड ऐसा होता है। मैं तो हमेशा शादी का देखा, रिटायरमेंट पे लिखा होता है सेवानिवृत्ति समारोह सोमवार 23 अगस्त 2021 को है भाई। यहाँ पे नाम लिख के हम पहुंचा देंगे सबको अपना अपना कार्ड। पवन तेरे भी कुछ दोस्त है जिनको कार्ड देना, देखो आज चलते देने के लिए, आज दिन चलेगा। कितने दोस्त है? दो ही दोस्त है। चाय पिलाएंगे घर जाएंगे तुमके? अरे भैया बहुत, चलो चाय पी के आते, चलो ठीक है, दे के आते, चलो ठीक है। खुश हो गया, देखो कितना खुश हो गया चट्टी मास्टर। ये फर्स्ट कार्ड है जो हमारे मंदिर में जाएगा, ये मेरे घर का मंदिर है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मैं ही लाता हूँ, बिकॉज मैं नहा धो लिया, सब कुछ कर लिया, इस पे नाम मेंशन नहीं किया है, अगर गलती से कार्ड एक कम पड़ जाता तो सॉरी भगवान जी, आपका कार्ड उठा लेंगे। नहीं लिख देना शिव जी के पास, उनके पास भी निमंत्रण जाना चाहिए ना। नहीं गणेश जी के पास जाता, गणेश, अच्छा गणेश जी। हे प्रभु आस्था करते आपसे सब चीज सुख में हो जाए, कुशल हो जाए, और प्लीज उस दिन बारिश मत आना, प्लीज सिर्फ प्लीज। आज मार्केट जाएंगे इस गाड़ी से, धन्नो से, अपनी धन्नो से। इसका नाम क्या है पवन? अपनी धन्नो। ये गेट पे गाय माता कितने बार आती है यार? ये हटो हटो, नहीं सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, अन्नी भगा दो, तो भगा दो। सो निकल गए हम लोग मार्केट जाने के लिए, थैले में ले लिया जींस से, इसमें कुछ कार्ड से और कुछ सामान लेके आई है। जींस का थोड़ा बटन टूट गया और लगवाएंगे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बुलेट पे चल रहा हूँ, मेरे पास चश्मा नहीं है, बिकॉज मेरा चश्मा टूट गया, आज सबसे पहले मैं एक चश्मा लूंगा। पवन आया अपने फ्रेंड के घर पे कार्ड देने के लिए, देखो कितना खुश है उसके चेहरे पे, स्माइल देखो, स्माइल देखो उसके चेहरे पे। कार्ड देने आया अपने दोस्त के पास, शायद उसका दोस्त नहीं यहाँ पे। माधोपुर की फेमस चीज बादाम से, जो मैं अक्सर आके पीता हूँ जब गर्मी का टाइम होता है। फिलहाल हम मार्केट से आ गए, सब काम हो गया, सबको ऑलमोस्ट कार्ड दे दिया। पवन ने अपने दो फ्रेंड को दिया, मैंने भी एक स्पेशल आदमी को दिया, हमारे नवदीप स्कूल के प्रिंसिपल सर को। यहाँ पे आगे कर रहे हैं हम लोग बादाम से की पार्टी। ये कुछ सब्जियां जो हमने लिए जाते जाते घर, एक दो सब्जी ले लेते, फिर तो कल वापस मार्केट आना पड़ेगा। आप मेरे अंदर कुछ चेंजेस देख रहे होंगे, सब थोड़ा चेंजेस है। मैंने चश्मा लिया, मेरा चश्मा टूट गया था, ये नया ट्राई किया। मुझे कमेंट करके बताना मेरा चश्मा कैसा लग रहा है। फिलहाल तो खाना वाना हो गया सब कंप्लीट, कल्लू यहाँ बिस्तर कर रहा है, अभी तो मैं थोड़ा अकेला सोता हूँ बेड पे। मैंने पवन को बोला कि तू बाहर वाले रूम में सो जाया कर, क्योंकि क्या हो गया ना कि मैं अकेला, पवन मेरे साथ सोता था तो मेरे गर्दन में दर्द होने लग गया था फिर से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अकेला सो के देखता हूँ, क्योंकि अकेला सोता था तो थोड़ा गर्दन में दर्द ठीक था, तो मैंने वही ट्राई किया फिर से, अगर हो जाता है तो सही है। गर्दन का दर्द में तो बहुत दिक्कत कर रहा है भाई, गर्दन बहुत तेज वाला। तू सोया नहीं पवन अभी तक? कूलर पानी भर दिया? चलो ये अच्छा किया, कूलर पानी भर दिया। यहाँ पे बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने देखो फेस वॉश किया नाइट में, बहुत नींद आ रही थी लेकिन फिर भी फेस वॉश किया, बिकॉज इसका कारण ये था कि भाई स्किन बुरी तरह से टेन हो चुकी थी, और स्किन टेन होने के चक्कर में पूरा कालापन आ गया था चेहरे के ऊपर। ये तो कुछ नहीं, अभी तो और ज्यादा टेन होना है, क्योंकि अभी तो पूरी तैयारी करनी फंक्शन की, तो उसमें तो स्किन बहुत ज्यादा टेन होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार सब फंक्शन वंक्शन अगर अच्छे से हो गया तो स्किन का क्या है, तो फिर से निखर जाएगा। ये काम भी करना है, ब्लॉगिंग भी करना है, लोगों को कार्ड भी बांटना है, फिर उसके बाद लिस्ट तैयार करनी है, कौन कौन आने वाला कौन कौन नहीं आने वाला, फिर खाना मेन्यू, बहुत सा काम हो जाएगा, बट ये सब उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर बारिश ना आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही होप करता हूँ कि बारिश ना आए, लेकिन फिलहाल तो अभी मेरे को सोना होगा, बिकॉज रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अभी के लिए तो आपको गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हम मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।